केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि भारत इस साल के अंत तक कोविड 19 रोधी टीके की 267 करोड़ खुराक हासिल कर लेगा और वो इस स्थिति में होगा कि कम से कम देश की पूरी वयस्क आबादी को ये टीका लगा दिया जाए। आधिकारिक बयान के अनुसार टीके की 51 करोड़ खुराक जुलाई तक तथा 216 करोड़ अन्य खुराक अगस्त और दिसंबर के बीच में उपलब्ध होगी। उन्होंने राज्यों से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण हो, क्योंकि वो संवेदनशील श्रेणी से जुड़े लोग हैं। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ वार्ता में हर्षवर्धन ने कहा कि अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच भारत 216 करोड़ खुराक हासिल कर लेगा, जबकि इस साल 1 जुलाई तक 51 करोड़ खुराक हासिल कर ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के अनुसार हर्षवर्धन ने कहा कि साल के अंत तक देश इस स्थिति में होगा कि कम से कम इसकी वयस्क आबादी का टीकाकरण हो जाए। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।